हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। सो दोस्तों, कल हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज से ही हमारा फंक्शन का चैप्टर फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहले ये समझते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इस तरह में आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है वो पहले मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। ठीक है, लेट f सच दैट x टू y बी वन वन ऑन टू फंक्शन, देन क्या हो जाएगा, f इनवर्स सच दैट y टू x विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं याद कर सकते तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो नीचे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जो ये है। ठीक है, fx बराबर y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा, f इनवर्स y, है ना, समझ गए ना। ये देखिए ये कैसे आया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स लिखा, एफ हमारा कहाँ गया, इसके नीचे गया, है ना, तो यहाँ पे y अपॉन f आ जाएगा तो ऊपर जाएगा तो f इनवर्स y नहीं हो जाएगा। इस तरीके से याद करने की एक तरीके इस तरीके का, है ना। तो मैंने ये क्या लिख दिया, इसको आगे लिख दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये याद करने की एक तरीके से ट्रिक मान लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो कहने का मतलब आपको केवल मेन ये याद करना है, है ना, ये इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब देखिए एक्चुअल में करना कैसे है, जैसे कोई भी सवाल आपको दिया होगा तो आपको एफ एक्स की जगह क्या रखना है, वाई पुट करना है, है ना। फिर बाद में जब यहाँ से आप निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा, एक्स की वैल्यू निकलेगी एफ इनवर्स वाई, है ना। और जब यहाँ पे आप एक्स की जगह वाई को रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिसको यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन से आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3, है ना, देन f इनवर्स x हमें निकालना है, है ना। या तो पूछ लेगा कि इनवर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का इनवर्स निकालिए, बात वही है। ठीक है, तो अब देखिए आपको कैसे करना है, मैंने आपको क्या बताया था, fx की जगह आपको क्या रखना है, सॉल्यूशन fx की जगह क्या रखना है, y रखना है, तो y बराबर 2x क्या हो जाएगा प्लस 3, और y माइनस 3 बराबर 2x हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 2 बराबर x। अब देखिए यहाँ से हम fx बराबर हमने क्या माना था, fx बराबर हमने y लेट किया था, तो x बराबर क्या आ जाएगा, f इनवर्स y आ जाएगा। ठीक है ना, तो f x की जगह हम क्या लिख देंगे, f इनवर्स y लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, तो अब देखिए y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू f इनवर्स y, है ना, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना तो ये है f इनवर्स x निकालना था, लेकिन हमें क्या आ रहा है, f इनवर्स y आ रहा है, तो इसका मतलब हम y को x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पुट y की जगह हम क्या रखेंगे, y की जगह हम x रख देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 3, दूसरे कलर से लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू f इनवर्स x, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, बस इस तरह। ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है।
और ये जैसे इनवर्स वाला क्वेश्चन सब खत्म हो जाएंगे ना, तो आप ये मान लीजिए आपका फंक्शन ऑलमोस्ट आपका फिनिश होने वाला है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से, मान लीजिए हमें फंक्शन दिया हुआ है 5x + 4 / 3x - 2, तो हमसे इनवर्स पूछा गया, एफ इनवर्स एक्स पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया हमसे। अब देखिए एफ एक्स के हमने क्या बताया था आपको, वाई रखा है, ठीक है, 5x + 4 / 3x - 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3xy - 2y = 5x + 4, ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए इसमें से एक्स एक्स वाले कॉमन ले लीजिए, तो मैं इसको इधर ला रहा हूँ, ठीक है, 3xy - 5x = 4 + 2y। यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया तो क्या आया, 3y - 5 = 4 + 2y। अगेन ना, अब इसको हम यहाँ पे इधर सॉल्व कर देते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 + 2y / 3y - 5, ये आ जाएगी ना, ठीक है। अब x की जगह हमने ये देखिए एफ एक्स बराबर वाई माना था, तो x बराबर क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई आ जाएगा। एफ इनवर्स वाई हमारा क्या आया, 4 + 2y / 3y - 5, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, y को रिप्लेस कर देंगे x से, है ना, तो एफ इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, 2x + 4 / 3x - 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारे फंक्शन का इन्वर्स निकल आया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब चलिए आपको एक बता देते हैं, लॉग वाला बता देते हैं, ठीक है, लॉग वाला क्वेश्चन, लॉग वाला एक कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, एफ एक्स बराबर 2 की पावर x - 1, और हमसे एफ इनवर्स एक्स पूछा गया है ना, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स के वाई लिख देंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं, वाई बराबर 2 की पावर x - 1 हो गया। अब देखिए y + 1 = 2 की पावर x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए हमने लॉग ले लिया, ठीक है, तो लॉग लेने पर यहाँ पर हम लिख दें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या आ गया, लॉग वाई प्लस वन आ गया, बराबर यहाँ पे जब लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग 2 की पावर x, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लॉग वाई प्लस वन आ गया, बराबर अब देखिए ये हमारा क्या लिखा है, लॉग m की पावर n लिखा है, तो इसका मतलब n लॉग m होता है कि नहीं होता है, ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x लॉग 2, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, x यहीं रखते हैं, log y प्लस वन ऑन log 2, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। और देखिए एक और फार्मूला होता है, यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं, log m बेस n बराबर log m अपॉन log n, ये होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर log y प्लस वन और हमारा बेस में 2, ये लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। x की जगह हम क्या लिख देंगे, x की हम लिख देंगे f इनवर्स y, f इनवर्स y हमारा क्या आ गया, log y प्लस वन बेस 2। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, पुट y इक्वल टू x, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, log बेस 2 x प्लस वन इक्वल टू f इनवर्स x, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना, ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। और अगर आपको क्वेश्चन करने हो तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ, और आपका ये इनवर्स वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होने वाला है, ठीक है। एक आपको अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, अच्छा क्वेश्चन का मतलब कि ये मान लीजिए कि अच्छा क्वेश्चन है, उसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन मैंने लिखा एफ एक्स बराबर 10 की पावर x + 10 की पावर - x / 10 की पावर x - 10 की पावर - x। अब हमें f इनवर्स x, ये मतलब कुल मिला के इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का,
ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, चलिए आइए है ना, सॉल्यूशन इसके करते हैं। सॉल्यूशन इसे करेंगे, एफ एक्स की हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे, 10 की पावर x + 10 की पावर -x अपॉन 10 की पावर x - 10 की पावर -x, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए ये बंद क्यों हो रहा है, ये देखिए y बराबर, अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर x लिखा हमने, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 की पावर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर -2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, उसी तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है एग्जाम्पल तौर पर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ये। ठीक है, तो अब इसको नीचे वाले क्या हो जाएगा, नीचे वाले का हो जाएगा 10 की पावर x - 1 अपॉन 10 की पावर x, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 10 की पावर 2x + 1 अपॉन, देखिए 10 की पावर x और 10 की पावर x आएगा तो वो कट जाएगा। ठीक है, चलिए लिखना चाहे तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर 2x - 1 अपॉन 10 की पावर x, तो इससे ये कट गया, तो हमारा क्या है, वाई बराबर 10 की पावर 2x + 1 अपॉन 10 की पावर 2x - 1, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, अब इसको चलिए आगे करते हैं, यहाँ पे अब देखिए y बराबर हमारा क्या आया था, 10 की पावर 2x + 1 अपॉन 10 की पावर 2x - 1, ये आया था हमारा। ठीक है, यही आया था ना, ये देखिए। अब देखिए अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y इंटू 10 की पावर 2x - y मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 10 की पावर 2x + 1, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए 10 की पावर 2x हम लेंगे कॉमन यहाँ से, तो 10 की पावर 2x कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, y - 1, इसको हमने इधर ले लिया, इसको हमने इधर ले लिया, ठीक है, बराबर 1 + y। ठीक है, तो 10 की पावर 2x क्या आ गया हमारा, y + 1 / y - 1, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब बोथ साइड हम लॉग ले लेंगे, तो हम लिख देते हैं लॉग लेने पर, है ना, तो लॉग, अब देखिए लॉग लेंगे तो 2x आ गया, 2x log 10 बराबर लॉग y + 1 / y - 1, है ना, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे हमें 2x लिख दिया, log 10 का मान 1 होता है ना, और यहाँ पे बेस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस में 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 2x बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, log y + 1 / y - 1, यहाँ पर इस तरीके से इतना हमारा हो गया। ठीक, अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 2 log y + 1 / y - 1, ये आ जाएगा हमारा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, अब देखिए x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, f इनवर्स y, ये लिख सकते हैं ना। ठीक, अब क्या करेंगे, हम y को रिप्लेस करेंगे x से, तो हमारा क्या आ जाएगा, f इनवर्स x बराबर 1 अपॉन 2 log y + 1 / y - 1, ये आ जाएगा, बेस में 10 होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ये वाला सवाल काफ़ी अच्छा था। ठीक है, यहाँ पे x होगा, ये जो हमने यहाँ पे लिख दिया ना, y की जगह x रिप्लेस करना था ना, तो log x + 1 / x - 1, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, और जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फंक्शन हमें दिया गया है x+3 / x+6,
ये दिया गया हमें, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड क्या निकालना है हमें, एफ इनवर्स 5 एंड एफ इनवर्स 9, ये हमें निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन से कैसे करेंगे, एफ एक्स की वाई लिख देंगे एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, एफ एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वाई है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 5 दी गई कि नहीं दी गई है, क्योंकि वाई बराबर एफ, देखिए ये एफ एक्स बराबर हमने वाई माना था, एफ एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर क्या आएगा एफ इनवर्स वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है 5 दी गई, तो वाई हमारा कितनी आ गई 5 आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो हम यहाँ सबसे पहले 5 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 5 बराबर एक्स प्लस 3 पॉन एक्स प्लस 6, तो कितना आ गया 5x प्लस 30 बराबर एक्स प्लस 3, 5 में 1 गया तो 4x बराबर माइनस 27, एक्स बराबर माइनस 27 अपॉन 4, तो एफ इनवर्स 5 हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा इतना, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एफ इनवर्स 9 वाले का आप निकालिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसको, ये वाले को कर, ये वाला आप करिएगा और ये वाला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसका आंसर आपको लिख देता हूँ, इसका आंसर आ रहा होगा आपका एफ इनवर्स 9 का आंसर आ रहा होगा माइनस 51/8 आ रहा होगा, इस तरीके का आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको करिएगा, अगर ना आए तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसको आपको ज़रूर बता दूंगा। इसी तरीके से जैसे आपने एफ इनवर्स 5 का किया, उसी तरीके से एफ इनवर्स 9 का भी निकल आएगा आपका, ठीक है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ख़त्म ही हो गया ये, अब देखिए क्वेश्चन नहीं है ये, आप इसमें नोट डाल लीजिए, एक नोट क्या डालेंगे आप, जैसे इस तरीके से लिखे एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, बराबर एफ इनवर्स ऑपरेशन एफ एक्स बराबर एक्स, ये कुल मिला के हम दिए रहेगा। सपोज़ कीजिए जैसे क्वेश्चन दिया है हमें कि एफ एक्स दिया है हमें एक्स की पावर 4 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमको दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है एफ ओ एफ इनवर्स ओ एफ 5, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ओ एफ एक्स बराबर क्या होता है, बराबर होता है एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, हमें 5 दी हुई है, यही तो है एक्स की वैल्यू, समझे ना। यहाँ पे जो एक्स लिखा था यही तो एक्स है, और यही वाला एक्स ये भी है, तो जो हमारी एक्स की वैल्यू ये दी हुई होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा फंक्शन के अप्रोक्सीमेट सब टाइप के जो हमने क्वेश्चन थे वो भी करा दिए हैं, और ये मान लीजिए कि अभी तो हमने अधिकतर थ्योरी पर ध्यान दिया है, और जब ये सब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो आपको जो इसके क्वेश्चन है वो बाद में इसको करवा देंगे, ठीक है। अभी तो हमने अधिकतर थ्योरी पढ़ाई है, और क्वेश्चन कुछ एक आधे इसलिए ले गए हैं ताकि क्लियरिटी हो, जिनमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं थी वो मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, और जिसमें मुझे लग रहा था कि इसमें जो थ्योरी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन फंस सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, अब इससे आपको कुछ ज़्यादा समझ में तो आया नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने इसके क्वेश्चन इसलिए करा दिए ताकि आपको क्वेश्चन से पता चल जाए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।